हाँ भाई, डेटा डिलीट हो गया क्या था? फैमिली फंक्शंस की फोटोज, गर्लफ्रेंड की फोटोज, टेक्स्ट, मेल्स क्या थे? कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है, भाई आ गया, ठीक है। जो भी तुम्हारा डिलीटेड डेटा था, तुम्हारा डिलीटेड फोटोज, वीडियोस, मेल्स, एनीथिंग, ईदर फ्रॉम योर पेन ड्राइव, फ्रॉम योर सिस्टम ड्राइव, या फिर तुम्हारा रिसाइकल वीडियो कहीं से भी डिलीट हुआ है, एक मिनट के अंदर तुम्हारा डेटा वापस ला के दूंगा। जस्ट बी विद दिस वीडियो, बिल्कुल फ्री तरीका है, एक रुपया तुम्हें खर्चना नहीं है, पूरा का पूरा बस वीडियो देखना है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कोई डाउट रह जाता है ना, तो बस कमेंट सेक्शन में मुझे याद कर लेना यार, ठीक है, कमेंट ड्रॉप करना, और अगर हो जाए तो थैंक्स का कमेंट ड्रॉप कर देना, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारा इशू, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, और चलो तुम्हारा डेटा रिकवर करते हैं। गाइस, तो अभी हम कुछ फाइल्स को डिलीट करते हैं परमानेंटली और उन्हें रिकवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ टेस्ट इमेज फाइल्स हैं, कैप, हल्क, आयरन मैन, मैन थॉर, ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं, मैं इन्हें परमानेंटली डिलीट करूंगा और मैं इन्हें रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसे परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए, शिफ्ट प्लस डिलीट। सी, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइव आइटम्स? यस, हमने इसे परमानेंटली डिलीट कर दिया है, ये हमें अब हमारे रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी। नाउ अब हम इसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आपने कुछ गलती से डिलीट कर दिया परमानेंटली, नाउ यू वांट इट बैक। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है रेक्यूवा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का आइकन है, अगर आप चाहो तो इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली गूगल में जाओ रेक्यूवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, और यहाँ पे फ्री डाउनलोड का बटन आता है। और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता तो भी कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल में रेक्यूवा टाइप करो, देन एक लिंक आएगी रेक्यूवा फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक करो, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे बटन आता है फ्री डाउनलोड का, उससे आप रेक्यूवा को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ओजी सॉफ्टवेयर है। वंस इट इज डाउनलोडेड एंड इट इज इंस्टॉल्ड, डबल क्लिक, ओपन इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के हमें क्या रिकवर करना है, तो मैंने अभी जस्ट पिक्चर्स डिलीट किए हैं, तो मैं पिक्चर्स डिलीट करूंगा, सारी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करता, वरना ये ड्राइव में काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करने लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बस पिक्चर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर आपका कुछ म्यूजिक प्लेलिस्ट डिलीट हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए हैं, आपकी वीडियोज डिलीट हुई है, कुछ भी, आप इसको रिकवर कर सकते हो, इवन यू कैन रिकवर योर ईमेल्स एज़ वेल, ठीक है। तो अभी हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछता है कि कहाँ से डिलीट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कार्ड या फिर यहाँ पे लाइक से आपकी पेन ड्राइव में से गुम हुआ है, कहीं से भी, जहाँ से भी गया है उसकी लोकेशन दे सकते हो, ठीक है, इवन रिसाइकल बिन की भी लोकेशन डाल सकते हो। बट मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक एक फोल्डर से डिलीट हुआ है, मैं ये फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ और इसका पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ, विच इज ई रिकवरी टेस्ट एंड टेस्ट डिलीट, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नाउ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, इनेबल डीप स्कैन, जरूरी नहीं है डीप स्कैन इनेबल करना, बट आई रिकमेंड, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बट होने लगता है। अच्छा, अभी क्या है, यहाँ पे ये बहुत सारी फाइल्स ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मेरे ड्राइव को स्कैन कर रहा है। ऑलराइट, होता क्या है बेसिकली, जब फाइल डिलीट होती है, किसी चीज़ को आप डिलीट करते हो, तो उसकी एक बहुत मिनिमाइज सी इमेज हमारे ड्राइव के किसी एक छोटे से सेक्शन में, एक छोटे से फ्रेगमेंट में रह जाती है, ये उन्हें लोकेट करता है। बहुत सारी फाइल हैं, इनको मैं लेट्स से टाइम बचाने के लिए कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक मेरी फाइल्स रिकवर हो गई होंगी, कैंसिल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे को ऑलरेडी ये फाइल्स जो मेरी थी वापस से दिखने लग गई हैं, ठीक है, कि आपकी ये फाइल्स थी। तो ये इमेजेस जो हमने डिलीट की थी, मेरे को रेक्यूवा के अंदर कैसे दिखती हैं, मैंने तो उसे परमानेंट डिलीट कर दी थी। तो ये रेक्यूवा का कमाल, बहुत ओजी सॉफ्टवेयर से। अब मुझे इसमें से जो भी रिकवर करना है, लेट्स से आई वांट टू रिकवर सारे के सारे, ठीक है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, इसे इसे ओ इसे, अरे यार क्या हो रहा है, क्या ही बंडल है, हाँ हो गए, सॉरी, सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इन्हें रिकवर करता हूँ, रिकवर करूंगा तो मुझसे एक लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पर रिकवर करना चाहते हो। तो लेट्स से कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ डिलीट हुआ है वहीं पे रिकवर नहीं करना चाहिए, बट हम वहीं पे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ई ड्राइव में आया, मेरा रिकवरी टेस्ट फोल्डर था, रिकवरी टेस्ट फोल्डर के अंदर एक टेस्ट डिलीट फोल्डर है, ये टेस्ट डिलीट जहाँ से मैंने डिलीट किया, इसको यहीं पे रिकवर करता हूँ, ठीक है। ये बोलता है डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर टू द सेम ड्राइव, मेरे को बोलता हूँ मैं हाँ, मेरे को वहीं पर दे, ठीक है, इसको ओके किया मैंने, मिनिमाइज करो, और ये देखो ये सारी की सारी फाइल्स आपकी वापस आ गई हैं।
तो जैसे ही आपकी इमेजेस वापस आई है ना, वैसे के उसी टाइप से लेट से आपकी फाइल्स भी वापस आती हैं, आपके मेल्स वापस आते हैं, आपकी वीडियोस वापस आती हैं, आपके कॉम्प्रेस फाइल्स वापस आती हैं। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो डिलीट हो गया, आपने गलती से कुछ फॉर्मेट कर दिया, कोई ड्राइव या कोई पेन ड्राइव थी उससे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चला गया आपका, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो रेक्यूवा से आप उसे वापस ला सकते हो। नाउ आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, समटाइम्स हो सकता है ना मिले, बट 90% केसेस में ये काम करेगा ही करेगा। सो जस्ट ट्राई इट, और अगर कोई भी इशू आता है वो तो मेरे को मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कि मेरे को ये इशू है, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो ठीक है, अगर अब तक तुम्हारा डेटा रिकवर हो गया है तो प्लीज एक बहुत प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय एनी चांस अगर तुम्हारा डेटा रिकवर नहीं हुआ है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट कर लो और देखते हैं तुम्हारा डेटा कैसे रिकवर करना है, मिलकर काम करेंगे, हो जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है।